نحمده ونصلي على رسوله الكريم وما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأصبحتم بنعمته إخوانا. صدق الله. आज 12 रबी अव्वल है तो कई दिन से सुना रहा हूँ हरमा शाह मोहम्मद अहमद साहब की किताब है कमालात नबूवत. बहुत एहतमाम से इसको लिखवाया, बहुत खुश थे. तो यही मजमून कई दिन से सुना रहा हूँ इसी से. अल्लाह ताला इसके हक अदायगी की मुझे तौफीक दे. मजमून जाहिर बहुत अहम है, बहुत नाफे है, मुफीद है और इंशाअल्लाह मुझे भी अजर सवाब है. एक बात अभी याद आई, सलमान शाह मोहम्मद अहमद साहब फरमाते थे कि लोग कहते हैं कि हम लोग मिलाद नहीं पढ़ते. मैं पढ़ता हूँ, तर हुई बारान से सूखी रमी, तर हुई बारान से सूखी रमी, यानी आए रहमतुल आलमीन. इमाम शाफ़ुल रहमान साहब ने पढ़ाई. हजरत फरमाते थे कि उन्होंने कहा देखो मिलाद पढ़ दिया कि नहीं, ये भी है. तर हुई बारान से सूखी रमी, यानी आए रहमतुल आलमीन. अल्लाह ताला हजरत माँ मोहम्मद अहमद साहब से जो अशार कहलाए हैं बहुत ही अजीब है, पढ़ना चाहिए. हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में बहुत अच्छे अशार हैं. अल्लाह ताला हम सब लोगों को जिस दिन पर भी वो अशार पढ़ते थे, अल्लाह ताला हम सब लोगों को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत से हिस्सा अदा फरमाए. सीरत पाक को अपनाने की भी तौफीक अमल फरमाए और सुनाने की भी तौफीक फरमाए और लोगों तक आम करने की भी तौफीक अमल फरमाए. ये बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ा करवाते हैं. अब वही है कल सुना चुका है इसको, लेकिन मुझे बहुत मजा आया इसमें. रहमतुल आलमीन वो है जो उखुवत और मोहब्बत का नाम नेमत इलाही रखता है. नेमत इतनी बारीक बात है ये. फअसबहतुम बिनेमतिही इख्वाना, तुम लोग अल्लाह की नेमत से भाई भाई हो गए. मालूम हुआ कि भाई भाई होना ये बहुत बड़ी नेमत है. अल्लाह बतौर इम्तहान का फरमा रहा है. हम लोग भाई भाई में भी इख्तलाक, वहाँ तो यह है कि सब मिलके लाखों भाई भाई, लाखों साहबा हो गए थे लाखों, ये सब भाई भाई, सब भाई भाई. गजबे में साहबा जख्मी थे, सब प्यासे थे, सब प्यासे जाने साहबा थे, प्यासे थे. पानी मांगा, एक साहबी लेके पानी पिलाने लगी. दूसरे कहा मैं भी प्यासा हूँ. कहा मेरा भाई ज्यादा मोहताज है, उसको ज्यादा ज्यादा प्यासा. दसियों आदमी थे या और ज्यादा मैं नहीं कह सकता, तादाद उसमें नहीं है. घूम घा करके उन्होंने कहा कि मैं भी प्यासा हूँ. और सब जा बल्लब जाकर देने की हालत में कैसी प्यास लगती है. जाकर देने की हालत में पानी न देना ये भी एक जालिमों का एक सेवा है. समझ लीजिए उन्होंने कहा कि मैं भी प्यासा हूँ. मैं भी तो उसने कहा तो पहला वाला कहा भाई इनको पिला ज्यादा. इन्होंने कहा कि मैं भी प्यासा था. अभी इन्होंने कह दिया घूम घा कर फिर पहले आया था. किसी ने पानी नहीं पिया, सब जब बैल लौट करके इधर से सब की वफात हो चुकी थी, सब भाग गए. कुन इबाद अल्लाह इख्वान ला तबारू वला तदाबरू, आपस में एक दूसरे से पीठ न फेरो.
कुन बादल लाही खुमाना, भाई 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 हो जाओ। क्या ये तालीम मुर्दा थोड़ी नहीं हुई, अब भी है? क्या सहाबा की नसीहत थी? सबके लिए। मैंने बहुत सहाबी कहते हैं अल्लाह या रसूलल्लाह हमको नसीहत कीजिए, और मारे नसीहत। मैंने कहा खाली उन्हीं के लिए नसीहत नहीं है, ये तुम्हारे लिए नसीहत है। इत्तकिल्लाह हैसु मा कुंत, ये हर जगह मैंने बयान किया है मुमारिक में। इत्तकिल्लाह हैसु मा, आपने भी सुना होगा, इत्तकिल्लाह हैसु मा कुंत वह अदबल हसन तम हो वह खालिक नाज़ खुल की हसन। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत है। खाली वो अबू का सिद्दीक उमर को नहीं थी, आपको भी है। जहाँ कहीं भी रहो अल्लाह से डरो, इतनी जामे पहले ही। वह अदब सैयत हसना तम हो, कोई सैया हो जाए बुरा काम हो जाए उसके बाद नेकी काम कर लिया करो। वह खालिक नाज़ खुल की हसन, लोगों के साथ अच्छा मामला करो। नसीहत कितनी जामे है, कोई कर सकता है? सारा नबी कोई वसीयत ही नहीं कर सकता। अब ये सब क्या करें जो इस वक्त जब नबी के अलावा नहीं कर सकता, कोई भी उसके बराबर हो नहीं सकता। उनकी नसीहत भी यही चाहिए, इत्तकिल्लाह हैसु मा कुंत। मैं कहता हूँ हदीस में इन्ना आतैना और कौसर जैसा है, ये कुरान में पाक में इन्ना आतैना का कौसर सूरा है, यह हदीस में ये नसीहत में है, इत्तकिल्लाह हैसु मा कुंत। आपने सुना होगा कहीं है ये इत्तकिल्लाह हैसु मा कुंत वह अतब सैयत हसन तम हुआ वह खालिक नाज़ बेखुल्क हसन, खुल्क हसन से लोगों के साथ अच्छा मामला करो। डरोगे अल्लाह से, अल्लाह का हक अदा करोगे, और हुस्न खुल्क बरतोगे तो मखलूक का हक अदा होगा। इसे मैंने आप हदीस में आया है, सोएल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन अक्सर मा युखिल जन्नत وقال تقوى الله وحسن الخلق ہے کہ نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیے گئے کس چیز سے لوگ جنت میں جائیں گے؟ فرمایا اتق اللہ، تقوى الله وحسن الخلق۔ اللہ میں نے کبھی کہا کہ تقوى الله سے حقوق اللہ ادا ہوں گے اور حسن الخلق سے حقوق العباد، یہی دو چیزیں ہیں جو جنت میں لے جانے والی ہیں، تقوى الله وحسن الخلق۔ دائر کر لیا ہے سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما یدخل الجنہ فقال تقوی اللہ وحسن الخلق۔ اللہ میں ابن قیم نے کہا کہ تقوی اللہ سے اللہ کے حقوق ادا ہوں گے اور حسن الخلق سے مخلوق کے، اور جو ان دونوں حقوق کو ادا کرتا ہے وہی صالح ہے اور صالحین جنت میں جائیں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خصوصیت یہ ہے، فأصبحتم بنعمتی اخوانا، سو تم اللہ کے انعام سے آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔ انعام اللہ کے انعام سے بھائی بھائی ہوئے ہو، یہ بھی بہت بڑی دولت ہے کہ کسی ادارے میں اتحاد ہو، گھروں میں اتحاد ہو، قبیلوں میں اتحاد ہو، یہ اللہ کی نعمت ہی ہو سکتا ہے۔ تو کیا حدیث آئی ہے، بچاؤ تم اپنے کو ذات البین، اب آپسی جھگڑوں سے اپنے کو بچاؤ۔ وہی نہ ہار کا موڈ دینے والی چیز ہے، میں نہیں کہتا کہ وہ بالوں کو موڑتی ہے بلکہ دین کو موڑ دیتی ہے۔ کہاں ہر جگہ اختلاف۔ صاحب الرحمان نے لکھا ہے کہ مصر کے بارے میں لکھا ہے کہ دو قلب بھی متحد نہیں ہیں۔ صاحب الرحمان نے لکھا ہے، ہمارے یہاں سے بہت سناتے تھے، کہا فرماتے تھے، ان کا عجیب انداز تھا، کہا کہ مصر میں یہ حالت ہے، ہندوستان میں کیا اس کے خلاف ہے؟ یہاں بھی وہی ہے۔ صاحب الرحمان نے لکھا ہے کہ دو قلب بھی متحد نہیں ہیں، تو فرماتے ہیں ماشاء اللہ سب مسلم تھے فوراً۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ صرف مصر کا یہ حال ہے؟ یہاں حال نہیں ہے، یہاں گبا نہیں ہے، دو دل بھی متحد نہیں ہیں۔ علامہ جودی نے اپنے زمانے میں لکھا ہے کہ کسی پہ بھروسہ نہ کرو، علامہ ابن جودی نے۔ یہ ہمیں مولوی شکیل صاحب جو ہے اسے سنا تھا ہم نے مہوا میں، وہ بھی بچے تھے ہم تو چھوٹے تھے، دو دل پہ کہا کہ اپنے بیوی بچوں پر بھروسہ نہ کرو۔ دیکھیے ایک بات یہ کی، مگر بھروسہ اگر کر سکتے ہو
तो अपने किसी दीनी भाई भी कर सकते हो, और ये लोग भी नादिर हैं, ये भी किबरीत है हमार। ये बहुत कितना चालीसा बता सकता है, किबरीत है हमार, किबरीत है हमार, ये नादिर। मैंने उनसे पूछा है कि कहाँ से आपने नकल किया था, ये लिया है कहीं नकल खुदाब में होगा, वहाँ से किबरीत है हमार। कहा वीर बच्चों पे भरोसा जिसको कहते हो ना करो, भरोसा बस अल्लाह पर है। अगर दुनिया में किसी पर भरोसा किया जाता है तो वो लोग जो है जो दीनी भाई हों, वो भी किबरीत है हमार, वो भी नादिर हैं। ये भी लिखा है इब्न जरीर ने, असबह तुम गिरे में थी इख्वाना, सो अल्लाह ताला के नाम से आपस में भाई भाई हो गए। सिर्फ ये नहीं है कि तुम अल्लाह वाले हो गए, भाइयों वाले भी हो गए तुम, अल्लाह वाले भी हुए और भाई वाले भी हो गए, दोनों बराबर। असबह तुम गिरे में थी इख्वाना, असबह तुम गिरे में थी, कितना देखिए नुकता भी बहुत अच्छा है। अब हमारे हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, तो हमको इस चीज बहुत पसंद आई थी। सो तुम अल्लाह के इनाम से आपस में भाई भाई हो गए, यानी कि अल्लाह के इनाम से तुम जन्नती हो गए, तुम फला हो, ये कुछ नहीं, आपस में तुम्हारे जो मोहब्बत पैदा हो गई वो कुव्वत, ये अल्लाह ताला का फ़ज़्ल और करम है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनाम। रहमतुल आलमीन वो है जो मामलात इंसान में अदावत और नफरत के तसरात से हमको अलहदा रखने का हुक्म देता है। मामलात इंसान में जो मामलात हैं उसमें अदावत और नफरत ना रहो, बैठो, अगर कोई मामला है बैठो, सलामती तबा से उसको पर गौर करो, यही पहले झगड़ा कर लो होता है, नहीं बैठते, बैठेंगे नहीं मामलात को दुरुस्ती के लिए, बैठेंगे नहीं। रहमतुल्लिल आलमीन वह है जो इंसाफ में अदावत और नफरत के तसरात सबको अलहदा रखने को हुक्म देता है। इंसाफ करने बैठे हो तो फिर अदावत और दिल में अगर कुदूरत है निकालो, तब इंसाफ के लिए बैठो। बला यजरमन ने कुम शनान कौमिन अला अल्लाह तादिलु ए दरु हु अक्रबु लितक्वा वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह खबीर बिमा तअमलून। आए थे किसी खास लोग की अदावत तुमको इस पर बाइस न हो जाए कि तुम अदल न करो। आज अदल हो रहा है, बेअदली का दौर है। एक शेर है बहुत मशहूर, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। ये शेर इमाम मोहम्मद सब नहीं है, मौलाना उसको बदल करते थे, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो पा जाते हैं इनाम। इमाम मोहम्मद सा का है तरमी है, ठीक है ना, इस जमाने की बात यही है, वो कत्ल भी करते हैं तो पा जाते हैं इनाम, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो पा जाते हैं इनाम। बहुत उमदा तरमीम किया है माँ मोहम्मद अहमद साहब, आदमी वगैरह बहुत खुश होते थे, ज्यादा नहीं हद के अंदर। बोला ये मन ने कुम शनान कौम अला अल्लाह ता दरु ए दरु, ये दरु है ना दरमिया में ना हो, ए दरु हो अखरब तकवा बतकुल्लाह इन अल्लाह खबीर में माता कुरान हदीस सीरत को पेश किया है किताबुल्लाह, आप सुने थे बड़े आदमी मौलाना की महबूब किताबों में से है, रहमतुल्लिल आलमीन से है गालबन ये। रहमतुल्लिल आलमीन वही है जो शहादत वाकया के लिए लोगों को इस तरह तैयार करता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़वामीन लिल्लाह शुहदा बिलक़िस्त, ऐ ईमान वालों अल्लाह ताला के लिए पूरी पाबंदी करने वाले, इंसाफ के साथ शहादत अदा करने वाले बनो, कोई मामला तुम बुरा है इंसाफ करो, अदल करो, दूसरों को छोड़िए, अपने लोगों में कितने आदर करने वाले हैं, आदर करने वाले तकसीम जो होती है हमारे क्या क्या होता है। हाँ रहमत आलमीन वही है जो हर इंसान को उसकी बीवी के मुतलिक ये तालीम देता है, हैं? इसी की निशानियों में से ये है
कि उसने तुम्हारे वास्ते तुम्हारे जिंस की बीवियां बनाई ताकि तुम उनके पास तुमको आराम मिले, ये भी अल्लाह की नेमत। और तुम मियां बीवी में मोहब्बत और हमदर्दी पैदा की, इनमें दानिशमंदों के लिए निशानियां हैं। मियां बीवी में एक ताल्लुक बिल्कुल जी वो गरीब अल्लाह ही को पैदा किया हुआ है, कभी भी अच्छी है। लेकिन ये बीवी मोहब्बत हमदर्दी पैदा की, उसमें दानिशमंदों के लिए निशानियां हैं। रहमतुल्लिल आलमीन वही है जिन्हें शौहर बीवी के रिश्ते को इतना पाक ठहराया कि बहिर में जाते वक्त भी इस जोड़े को एक दूसरे से अलग न किया, बल्कि यूं खबर दी उदखुलु जन्नत अंतुम वअज़वाजुकुम तुहबरून। माँ बाप को नहीं कहा, बीवी को कहा कि जन्नत में जाओगे तो ये तुम्हारे साथ होंगी, तुम और तुम्हारी ईमानदार बीवियां खुश बखुश जन्नत में दाखिल हो जाओ। तुम अजवाजुम तुहबरून, उन्होंने कहा तुहबरून, हमने तहकीक किया हम लोगों ने इसको, तो मतलब कि मुआनसत के लिए मालूम हुआ कि जन्नत भी मुआनसत बीवी से होगी। अजवाजुम मुआनसत कहीं नहीं मिला कहीं उर्दू में, इस पर मुआनसत मुआनसत में इजाफा जन्नत में भी बीवी से होगा। रहमतुल्लिल आलमीन वही है तो वलहुन्न मिस्रुल्लज़ी अलैहिन्न, वलहुन्न मिस्रुल्लज़ी बराबर कर दिया, उनके लिए वही हुकूक है जो मर्दों के लिए है, बीवियों के लिए। वाशिरुहुन्न बिल मारूफ, आशिरुहुन्न बिल मारूफ। हमने आपका बयान किया था निकाह पढ़ाए के बाद, उन्होंने कहा दो आयत आदमी कर ले सब मुआशरा खत ठीक हो जाए। अर्रजाल कवामून अल निसा वो आशिरुहुन्न बिल मारूफ, आपकी बहुत बड़ा मजमा था आपके कार्यक्रम में दार उलूम में, इतना बड़ा मजमा शायद किसका निकाह था, ये सफीउल्लाह का था। बस दो चीज सब आदा मुआशरा तो है सब इजलास होता है, पर ये दो आयत को समझा दो सब कुछ सब चुकी। अर्रजाल कवामून अल निसा, और तो तस्लीम कर ले मर्दों की कवामियत को, अब वो समझ लें कि हमारे माताहत हैं पर हम करना चाहिए हम बस खत्म मुआशरा ठीक। अर्रजाल कवामून अल निसा, नहीं कवामियत तस्लीम करना होगा बीवी को तब बनेगा, और खुद ही कवाम बनना चाहेगी तो क्या ना वो बताएगी, मुशाहिदा हो रहा है, हो रहा मुशाहिदा। रहमतुल्लिल आलमीन वही है जो शौहर और बीवी के हुकूक की बाबत ये फैसला सुनाता है। वलहुन्न मिस्रुल्लज़ी अलैहिन्न, क्या हम खुदा ही कह सकता है, इतने ही में सब कुछ बयान कर दिया अल्लाह ताला ने। वलहुन्न मिस्रुल्लज़ी अलैहिन्न अर्रजाल कव्वामून अला निसा, मर्द हाकिम है औरतों पर, उससे अल्लाह ताला ने बालों को बालों पर फजीलत दी है। और इस वक्त से कि मर्दों ने अपने माल खर्च किए, ये है खर्च किए हैं बच्चों का एक हक है, रहमतुल्लिल आलमीन वो है जो खूंखार लड़ाइयों को बंद करता है, कितने दिनों से लड़ाइयां चल रही थी बंद कर दिया। हुक्मरानी के आरज़ू या तौसीए मुल्क की तवाना या गलबे कुव्वत के इजहार जोश इंतकाम के वफूर के वसूल पर लड़ाई करने को कतर ममनू ठहरा देता है। इसके लिए न लड़ो, इसके लिए लोगों के खून न बहाओ। वो जंग को सिर्फ मजलूम की इमदाद का आखिरी जरिया, आजिज़ों दरमादों औरतों बच्चों को ज़ालिमों के हाथ से छुड़ाने का वसीला, मजहब मुख्तलफा और यानी मुतअद्दिदा में अदल व तवाज़ुन कायम करने का आखिरी ही बताता है। अगर चाहते थे ये करो सही मुकदस है, यहूदियों से भी निबाह हो जाएगा, ईसाइयों से भी हो जाएगा हुकूक। दुनिया का रहम दिल शख्स भी इन उसूलों के लिए जरूरत से इनकार नहीं कर सकता। दुनिया का रहम दिल शख्स भी इन उसूलों के लिए लड़ाई की जरूरत से इनकार नहीं करे, इन उसूलों के लिए लड़ो ताकि ये चीज पैदा हो जाए।
और मामूली समझ का इंसान भी इस लड़ाई को सरापा रहमत कहने का रहमतुल्लिल आलमीन ये किया है उन्होंने इन हुकूक की अदायगी के लिए और इस मुआशरे को पैदा करने के लिए लड़ाई भी की है। बहुत मामूली समझ का इंसान भी इस लड़ाई को सरापा रहमत कहने में ज़रा तामुल नहीं कर सकता है, रहमत को आम करने के लिए लड़ाई। हाँ रहमतुल्लिल आलमीन वो है जो इंसान को अखलाक फाजला फ़ज़ाइल महमूदा और महासिन जमीला और सिफात कामिला की तालीम देता है। उर्दू देखिए हाँ रहमतुल्लिल आलमीन वो है जो इंसान को अखलाक फाजला हम लोग रहते बस इतना ही कह सके रह जाते हैं लेकिन बढ़ाया जो इंसान को अखलाक फाजला फ़ज़ाइल महमूदा और महासिन जमीला और सिफात कामिला की तालीम देता है। माँ बाप की बाबर सिखाता है वक्फ जनाह के दिल मोमिन वक्फ लहुमा जनाह जुल मिल रहमा कुल रब रहमा है ना यही कमा रब यानी सगीरा और उनके सामने शफकत से इनके सारी के साथ झुके रहना और यूं दुआ करते रहना कि अय मेरे परवरदिगार इन दोनों पर रहमत फरमाइए जैसा उन्होंने मुझे बचपन में खिलाया पिलाया है। बड़ी बात बहुत हदीसों में आता है कि माँ बाप के वकूक के आम हो जाएगा आखिर में। दोस्तों से जितनी मोहब्बत होगी अपने माँ बाप से नहीं होगी, उनके हकूक की अदायगी फिक्र नहीं होगी, हो जाता आम बात। कोई सुनता भी नहीं हो गया तो डर गया अभी किताब सुनने सुनाने लायक नहीं है। उनके सामने शफ़क़त से इनके सारी के साथ झुके रहना और यूं दुआ करते रहना कि अय मेरे परवरदिगार इन दोनों पर रहमत फरमाइए जैसा उन्होंने मुझे बचपन में पाला था। बात ये कहते हैं हर माँ बाप करता है ये भी है, माँ बाप को मोहब्बत से करते हैं तो ये सब हुकूक को कहाँ जाए अल्लाह हुकूम है। इस हुकूम में फरमा बरदारी एतावत खुदगुजारी का भी हुक्म दिया और ये भी बताया कि माँ बाप के लिए दुआ करना भी जरूरी है क्योंकि जिस तरह बच्चा माँ बाप की तरबियत का मोहताज है इसी तरह हर इंसान अल्लाह के रहम का मोहताज है, माँ बाप भी मोहताज है। तुम्हारी एहतियात को वो पूरी कर रही है माँ या बाप, तो उनकी एहतियात को तुम अल्लाह से दुआ करके पूरे फिली वाले वाले है ना यही है अल्लाहुम्मा फिली वाले वाले जमीर मोमिन वालद का। और चाहिए कि माफ़ करें कसूर वालों की माफी को मतलब फरमाया चाहिए कि माफ़ करें और दरगुजर करें, क्या तुम ये बात नहीं चाहते कि अल्लाह ताला तुम्हारे कसूर माफ़ कर देगा। किसी लड़के को वहाँ जफर अहमद उस्मानी वगैरह मार रहे थे तो लाल में शकी लिखा हुआ है कहा मैं कब तक सब्र करूँ तुम्हारे ऊपर, ऐसी शायद करते रहे पिटाई करे कब तक सब्र करूँ। तो शेख हदीस ने गालिबन कहा कि जब तक वहाँ के सब्र की तुमको ताब हो, वहाँ के निजात के लिए यहाँ तुम अपने नफ्स पर काबू कर पाओ। जैसे ये लड़का मोहताज है तुम्हारे कर्म का, तुम वहाँ मोहताज हो जाओगे अल्लाह के कर्म का, वो सोच करके इस पर काम करो। बहुत माफी दुनिया माफी देना इंसान को ज़रा मुश्किल और शाग गुजरता है, इसलिए उससे समझाया गया है कि इंसान माफ़ी का अल्लाह ताला से खासगार है तो क्या वजह है जो खुद माफ़ी देने को पसंद नहीं करता। वो यह वसूल बता दिया है कि माफ़ करो तो तुम भी तुमको माफ़ किया जाएगा, अपनी माफ़ी अगर चाहते रहो तो इनके साथ में
रहमतुल आलमीन वो है जिसने शराब और जुए की हुरमत का हुक्म तमाम आलम को सुनाया। शराब को रिस और अमल शैतान और बिनाए अदावत व सबब बुग्ज व सरमाए गफलत और जरिए दूरी अज खुदा बताया। कुरान मजीद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शाहिद भी फरमाया गया है और शहीद भी। मुंजर दिल आयत पर गौर करो, या अय्युह नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबशिरा। ऐ नबी, हमने बेशक आपको इस शान का रसूल बनाकर भेजा है कि आप गवाह हों और आम मोमिनीन के बशारत देने वाले हों। इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबशिरा, तहकीक हमने भेजा आपको गवाही देने वाला और बशारत देने वाला। वो फी हाजा लियकून रसूल शहीद अलैकुम। इस कुरान में भी ताकि तुम्हारी काबिल शहादत मोतबर होने के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गवाह हों। वह यकून रसूल अलैकुम शहीद है। अल्लाह ताला हम सब लोगों को बहुत दिखते ही चले जा रहे हैं। अल्लाह ताला हम सब अपना फजल करम फरमाए। और मैंने लोगों से कहा भाई दुआ करो कि सीरत पर बयान करने लायक मैं हो जाऊं और सीरत पर आ भी जाए दिलों में। उसकी नकल क्या वैसी क्या कर सकता है, लेकिन नकल तो कर ही सकता है, सोच तो सकते ही है। तकब्बुर से, अनानियत से। हजरत फातिमा या आयशा ने पूछा, यार सुल्ला क्या अच्छे कपड़े पहनने मामू का नहीं पहन सकती हो, लेकिन किसी को जलील न सको, दिल्लत से बचाओ। अगर कपड़े अच्छे हों और दिल में किब्र है तो जाहिर तो अच्छा है, बातें खराब है। अगर कपड़े अच्छे पहने, अल्लाह का शुक्र अदा किया, किसी को जलील नहीं किया, ये भी उसमें है कि दूसरे